नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बाबा उस बड़ी इलायची की बात करते हैं, देखते हैं तेजी में गई या मंदी में। मंदी का तो हमें लग नहीं रहा, फिर भी बात कर रहे हैं कि तेजी में गई या मंदी में। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देख के जाइएगा। और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, बड़ी इलायची के बारे में जो शुरुआत से मैं बोलता आ रहा हूँ कि तेजी, उससे बहुत लोगों को परेशानी भी बहुत है कि मैं तेजी तेजी बोलता हूँ, शायद पक गए हैं मेरी बात से। लेकिन पकने के साथ में जो मैं बोल रहा हूँ वो हो भी रहा है, तो अगर जो पकने वाले हैं, जो पक रहे हैं, तो उनको उनका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जैसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वैसी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इससे ज़्यादा परेशान हो और हो सकता है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हों। तो अब आज भी बड़ी इलायची तेजी की तरफ ही है। 3 दिन के भाव आप रेगुलर देख ही रहे हैं, 3 दिन से वापस तेजी की तरफ भागनी चालू होगी। हम तो यही आशा करेंगे कि आगे इसी तरीके से भागती रहे। और यही बोलना चाहूँगा उन लोगों से जो डेली के डेली काम करते हैं, तो आइए, आपकी इच्छा है, आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, और निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है वो आपको देता रहता हूँ, हो सकता है उससे आप खुश हो सकता है कुछ लोग खुश ना हो। तो चलिए भाव की बात कर लेते हैं कि सिलीगुड़ी में भाव क्या चला है। सिलीगुड़ी में आज नेपाल टॉप जेजे 1121 गई है। एक्स्ट्रा वोल्ट की बात करते हैं तो 1171, दाने की बात करें तो 1500 रुपये गई है। ये थे सिलीगुड़ी के भाव जो आज तेजी के साथ में खुले हैं और तेजी के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में जेजे चला है 1120, मतलब समथिंग टक्कर के अंदर चल रहा है सिलीगुड़ी के, तो गुवाहाटी में भी अच्छी तेजी देखने को नजर मिल रही है। नेपाल बोल्ट की बात करते हैं तो 1175, भूटान बोल्ट की बात करते हैं तो वो भी 1175। एक क्वालिटी और होती है यहाँ जेड ब्लैक एक्स्ट्रा बोल्ट, वो नहीं है अभी तक। और दाने की बात करते हैं तो 1500 रुपये। तो देखिए ये तो थे भाव, साथ में आपको ये बोल देते हैं, देखिए अभी तक 10% के करीब भी फसल नहीं आई है और आशा लग भी नहीं रही है कि इतनी फसल आएगी। तो जिस हिसाब से फसल है उस हिसाब से हमको तो तेजी नज़र आ रही है। बाकी आपका विचार आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें बना रहना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए। ये सारे आपके ऊपर है, आपके खुद के विचार है। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको देना, जो मैं देता रहता हूँ उसका ही इस इन्फॉर्मेशन से कई लोग खुश होंगे और कई लोग पता नहीं क्या होंगे। चलिए, जो भी था मेरे पास, जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भाव था, मैंने आपको दे दिया। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।